सिंस बॉटल गीली हो गई, मेरे हाथ गीले हुए हैं, अब ये खुल नहीं रही है, अब मुझे लेना पड़ेगा कट। व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू झेका। अगर आप चैनल पे नए हो और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितना ही फटाफट मैं बोल रहा हूँ, और साथ साथ में प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक्सप्रेस की तरफ भगा दिया मैंने, है ना, कोई बात नहीं, आपको करना है बट सब्सक्राइब कर लिया नहीं करा, ठीक है। तो रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक दारू तथ्य हमेशा की तरह, तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ उस दारू तथ्य को जानने के लिए, साथ साथ में पूरा रिव्यू एंजॉय कीजिए। ऑलराइट, तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं फ्रिटेली की क्लासिक शिराज वाइन। इससे पहले मैंने फ्रिटेली की कैबने सुविनियन वाइन का रिव्यू जो है वो किया है, उसमें मैंने फ्रिटेली से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और साथ साथ में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वो वीडियो पूरा देख लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। ऑलराइट, तो चलो अब हम बात करते हैं क्लासिक शिराज के बारे में। सो फ्रिटेली की शिराज वाइन अलग आती है, क्लासिक शिराज इज डिफरेंट। दो शिराज में ही दो वाइनें जो हैं वो आती हैं। अब अगर हम इस वाइन की बात करें तो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ टू ग्रेप्स जिसके अंदर 80% यूज हुए हैं शिराज। शिराज ग्रेप के बारे में मैंने आपको आई थिंक 16 का जब रिव्यू किया था कैबने सुविनियन वाइन का, तब मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा, लिंक पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना इस वीडियो के बाद। तो 80% इसमें यूज हुए हैं शिराज, साथ साथ में 20% यूज हुए हैं कैबने फ्रैंक। तो जो कैबने फ्रैंक है इट इज़ अ सब वेराइटी ऑफ कैबने सुविनियन ग्रेप्स ओनली, तो ओनली डिफरेंस इज उनकी जो स्किन रहती है वो थोड़ी सी थिन रहती है। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन कैबने सुविनियन एंड कैबने फ्रैंक। ऑलराइट, तो या मैंने आपको क्लासिक शिराज के बारे में तो बता दिया, अगर हम बात करें इस बॉटल के बारे में, आप देख रहे होंगे मैं छोटी बोतल यूज़ कर रहा हूँ वाइन की। छोटी बोतल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि यार अगर आप एक साथ में पूरी वाइन नहीं पीना चाहते हैं तो आप छोटी बोतल खरीद सकते हैं, प्राइस में कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं पड़ता है। इसकी पूरी बोतल जो आती है 750 ml की, दैट यू विल गेट इन 595 फॉर 750 ml बॉटल। और ये जो छोटी बोतल है 375 ml की बॉटल है, और इसकी जो प्राइस है वो है 300 rupees या 300 rupees फॉर दिस। सो ज़्यादा वेरिएशन नहीं पड़ता है, अगर आप छोटी बॉटल भी लेते हो सिर्फ 5 rupees का जो फ़र्क है वो पड़ रहा है। इस बॉटल की जो अल्कोहल स्ट्रेंथ है वो है 12%। तो चलो, और ये जो भी प्राइस मैंने आपको बताई है ये है मुंबई महाराष्ट्र की प्राइस। ऑलराइट, तो चलो अब हम इसे ओपन करते हैं, नोज करेंगे, पी के देखेंगे कितनी सेक्सी है ये वाइन। सिंस बॉटल गीली हो गई, मेरे हाथ गीले हुए हैं, अब ये खुल नहीं रही है, अब मुझे लेना पड़ेगा कट। ऑलराइट, लेट्स पोर। स्वर्ल स्वर्ल स्वर्ल। और कलर की बात करें तो एज कम्पेयर टू अ प्रॉपर वाइन कलर, इसका जो कलर है रेडिश है, काफ़ी रेड है ये वाइन। इट इज़ नॉट अ प्रॉपर वाइन कलर, इट्स बेटर रेडिश साइड। ओके, तो चलो अब हम करते हैं इसकी नोजिंग। नोट्स इतने इम्प्रेसिव नहीं है, आई वुड से जो फर्मेंटेशन का स्मेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली आ रहा है, उसके साथ व्हाट आई एम गेटिंग इज प्लम। आई थिंक हिंट ऑफ ब्लैक पेपर व्हाट आई एम गेटिंग ऑन माय नोज, नथिंग मच। अब इसे पीकर देख लेते हैं। चीयर्स गाइस। Thank you.
इट्स अ लाइट बॉडी वाइन. टेस्ट की बात करूं तो अफकोर्स आई एम गेटिंग प्लम. उसके साथ साथ में बेरीज का टेस्ट आ रहा है मुझे. आई एम नॉट एबल टू डिफाइन कि ये स्ट्रॉबेरी है या ये ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, बट काइंड ऑफ बेरीज का जो टेस्ट होता है दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग. स्वीटनेस उतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी सार है. आई थिंक आई एम गेटिंग अ बिट ऑफ मिंट फ्रॉम दिस वाइन. या फिनिश इज नॉट दैट इम्प्रेसिव. सो यू नो व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल टेस्ट ऑफ दिस वाइन, फॉर मी इट इज अ ठीक ठाक वाइन. नॉट सो ग्रेट, नॉट सो बैड टू. आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बट इट इज नॉट दैट लाइक कि आपको ट्राई करनी ही चाहिए वाली वाइन, नहीं कहूंगा मैं इसे. ऑलराइट, तो या आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव फ्रॉम दिस वाइन. एंड नाउ वी कैन टॉक अबाउट आज का हमारा दारू तथ्य. सो जैसे कि मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि हम जिस भी कैटेगरी के अल्कोहल का रिव्यू कर रहे हैं उससे रिलेटेड दारू तथ्य मैं आपको देता हूँ. नॉट नेसेसरी बट आई ट्राई. तो आज का जो दारू तथ्य है वो वाइन से जुड़ा हुआ है. एंड व्हेन वी डू लाइक प्रोफेशनल नोजिंग ऑफ वाइन, तो किसी भी यंग वाइन की नोजिंग करते हैं तो उसे कहा जाता है अरोमा. एंड अगर आप किसी मैच्योर्ड या ओल्ड वाइन का नोजिंग कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज मेलो. सो ये था आज का दारू तथ्य. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हियर वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो क्लिक ऑन लाइक. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब. प्रेस द बेल आइकन टू सो दैट आपको आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. दिस वॉज चेस साइनिंग ऑफ फॉर द डे. चीयर्स.